दोस्तों, ये है बस्तर, जो छत्तीसगढ़ राज्य के इंद्रावती नदी के आंचल में बसा एक बेहद ही खास जिला है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर जगदलपुर, जो कि जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है, और ये राज्य की राजधानी रायपुर से 302 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जिले की सीमाएं दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कोंडा गांव और उड़ीसा के जिलों से लगती है। इस जिले के अंतर्गत 7 तहसीलें, 7 ब्लॉक, 433 ग्राम पंचायत, 611 गांव, 3 विधानसभा क्षेत्र और 1 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। बस्तर जिला छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध जिलों में से एक है और यहाँ के लोग दुर्लभ कलाकृति, उदार संस्कृति एवं सहज सरल स्वभाव के धनी हैं। यहाँ की आबादी में ज्यादातर लोग गांव में रहना पसंद करते हैं, जिनके द्वारा यहाँ हल्दी, गोंडी, भात्री, धुरुआ, छत्तीसगढ़ी, उड़िया और हिंदी भाषा बोली जाती है। सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और आदिवासियों के रंग में रंगा बस्तर अपने अंदर कई खूबियां समेटे हुए है। 6,597 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ बस्तर आज छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में 8वां सबसे बड़ा जिला कहलाता है। यहाँ वर्तमान में 10 लाख लोगों की आबादी रहती है, जिनमें से 70% आबादी आदिवासियों की है, जिन्होंने आज बस्तर को स्वर्ग जैसा सजा कर रखा है। यहाँ प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,017 महिलाओं का लिंगानुपात पाया जाता है, जो राज्य में सराहनीय है। इसके अलावा यहाँ 55% लोग ही शिक्षित हैं। बस्तर जिले के इतिहास को देखें तो ये जिला कभी 1948 तक बस्तर रियासत के रूप में जाना जाता था। माना जाता है कि पहले बस्तर चक्रकोट और भ्रमरकोट के नाम से मशहूर था। उस समय ये इलाका कई शक्तिशालियों राजवंशों के अंतर्गत रह चुका है, जिसे आबादी के बाद प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 1948 ईस्वी को बस्तर संभाग के वर्तमान सभी जिले के क्षेत्र को मिलाकर इस जिले का गठन किया गया था। और आज ये जिला अपने घने जंगलों, ऊंची ऊंची पहाड़ियों, खूबसूरत झरनों, प्राचीन गुफाओं, जंगली जानवरों और यहाँ की पहचान आदिवासी जनजातियों की संस्कृति के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ आदिवासी और गैर आदिवासी पारंपरिक नृत्य सहित विभिन्न प्रकार की कला देखने को मिलती है। यहाँ के लोगों का जीवन संगीत और पारंपरिक नृत्यों से जुड़ा है। ककसाड़ नृत्य बस्तर का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके अलावा यहाँ के डंडारी, गौर, पंथी, कर्मा आदि नृत्य भी काफी पसंद किए जाते हैं। यहाँ के सबसे बड़े त्योहार में बस्तर दशहरा है, जो परंपराओं और शक्ति उपासना के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये दशहरा पूरे 75 दिनों तक चलता है, जो पूरे विश्व का एक अनोखा दशहरा है, क्योंकि ना तो यहाँ पर रावण का पुतला दहन होता है और ना ही रामलीला का मंचन होता है। इस दिन यहाँ पारंपरिक रस्म और अनूठे अंदाज में शक्ति की उपासना होती है, जिसे देखने देश दुनिया से लोग आते हैं। और इसके साथ ही यहाँ नवाखाई, दियारी, जात्रा, छेरछेरा और तीज त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहाँ के लोगों की आजीविका खेतीबाड़ी, हस्तशिल्प और वन उत्पादों से चलती है। साथ ही यहाँ कई छोटे बड़े उद्योग भी हैं, जो लोगों को रोजगार प्रदान करा रहे हैं। यहाँ के नगरनार में NMDC स्टील प्लांट स्थापित है, जो बस्तर जिले की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। वर्तमान समय में जिले का जगदलपुर शहर औद्योगिक नगरी के रूप में उभर रहा है। यहाँ छोटे बड़े कई प्लांट स्थापित हो रहे हैं, जो आने वाले समय में बस्तर क्षेत्र के लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करेंगे। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी भी स्थित है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा तालाब दलपत सागर है, जो जिले के जगदलपुर में स्थित शहर की शान और शोभा है। यहाँ विश्व विख्यात भारत का सबसे बड़ा चौड़ा चित्रकूट जलप्रपात है, जिसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात भी है, जो राज्य में सबसे ज्यादा टूरिस्ट द्वारा देखे जाने वाला पिकनिक स्पॉट है। साथ ही यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। तो वहीं यहाँ विनिता घाटी भी है,
जिसे बस्तर का कश्मीर कहते हैं। यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा जलप्रपात भी है जहां सबसे ज्यादा हरे रंग के सांप देखने को मिलते हैं, और ये जगह विजयकाशी और चिकनर्रा जलप्रपात के नाम से मशहूर है। यहां दरभा घाटी भी है जो भारत के सबसे खतरनाक घाटियों में से एक का हिस्सा है, जो अपने अंदर कई ऐतिहासिक घटनाओं को समेटे हुए है। दोस्तों, बस्तर जिला प्राकृतिक सुंदरता की गोद में बसा दंडकारण्य क्षेत्र का सबसे सुंदर और प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ आपको आदिवासी जीवन शैली, कला संस्कृति और प्रकृति की दी हुई खूबसूरत पहाड़ियाँ, गुफा, मंदिर, झरने और जीव जंतुओं को देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पहुँचे तो कैसे। आपको बता दें कि यहाँ पहुँचना बेहद आसान है। आप यहाँ रेल, हवाई और सड़क तीनों मार्गों से पहुँच सकते हैं। यहाँ का नजदीकी हवाई अड्डा जगदलपुर का माँ दंतेश्वरी और रायपुर का स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा है, जिसके माध्यम से आप यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। इसके अलावा आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो यहाँ जगदलपुर रेलवे स्टेशन हम सभी यात्रियों के लिए उपयुक्त है। अगर आप सड़क मार्ग से यहाँ आना चाहते हैं तो आपको नेशनल हाईवे 30 का सहारा लेना पड़ेगा, जो सीधे जगदलपुर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पहुँचते ही ज्यादातर CG-17 नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ दिखेंगी, जो आपको बस्तर पहुँचाने का एहसास दिलाएगा। तो दोस्तों, होप कि ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।